सप्लाई में आप सब दर्शकों का स्वागत। देखते हैं आज की बड़ी खबर। सतना चित्रकूट से अगवा जुड़वा भाइयों के यूपी के बांदा से मिले शव। चित्रकूट के बहुचर्चित बच्चों के अपहरण कांड में अवरुद्ध दोनों मासूमों के शव मिले हैं। दोनों मासूमों की लाश उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक नदी से मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने मासूमों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही शव मिलने के बाद जिले में लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। सतना एसपी से मिली जानकारी के अनुसार चित्रकूट नया गांव थाना क्षेत्र सदगुरु सेवा ट्रस्ट एसपीएस स्कूल से पिस्टल की नोक पर तेल व्यवसायी ब्रिजेश रावत के दोनों जुड़वा बच्चों को बीती 12 फरवरी को अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। इन मासूमों का शव आज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से यमुना नदी बबेरू घाट से मिला है। गौरतलब है कि 12 फरवरी को कट्टे के नोक पर दिन दहाड़े दोनों बच्चों को स्कूल बस से अगवा कर लिया गया था। घटना के बाद पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।